आइए कुछ कैपिटल्स पर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एज शोन इन फिगर 4.1 4.39A। फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यहाँ पर देखिए यह दिया गया है, ये आपको एक सिस्टम दिया गया है, इसमें ये 100 पिको फैराड के कैपेसिटर, ये 200 पिको फैराड 200 पिको फैराड के हैं, और यह C4 नाम का कैपेसिटर जो है 100 पिको फैराड का है। तो हमारे पास कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 चार कैपेसिटर्स हैं, उनको इस तरीके से जोड़ करके यहाँ पर प्लस और माइनस 300 वोल्ट लगा दिया गया है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है कि डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज कितना है और वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप में किया जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 200 पिको फैराड और 200 पिको फैराड के जो कैपेसिटर हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये डॉटेड से घेर करके यही बताया जा रहा है कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 200 और 200 का अगर सीरीज कम्बिनेशन होगा तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा। इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला 1/CS इक्वल 1/C1 + 1/C2 अगर आप लगाएंगे तो उसको लगाया गया है। यहाँ पर देखिए उसे 1/C' इक्वल 1/C2 + 1/C3 इज इक्वल टू, हल करने पर 100 पिको फैराड के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा दिया, ठीक है। इसके जगह C' नाम का कैपेसिटर लगा दिया। C1 जो है 100 पिको फैराड का अपनी जगह पर है, C' नाम का कैपेसिटर जो है 100 पिको फैराड का यहाँ पर लगा दिया गया। C4 जो है वो 100 पिको फैराड का यहाँ पर है। ये C' कहाँ से आया है, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से मुझे मिला है, ठीक है। तो अब जो है आप देखिए यह जो C' है वो C1 से किस रूप में जुड़ा हुआ है, वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो ये 100 पिको फैराड और ये भी 100 पिको फैराड। मान लीजिए कि ये दोनों जो ये जो डॉटेड घेरा गया है, इन दोनों यहाँ जो ये डॉटेड घेरा गया है ये बताने के लिए कि इनको अब हम कंबाइन करने जा रहे हैं। तो C1 और C' का पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लीजिए C" है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये 100 पिको फैराड और ये 100 पिको फैराड है C' और C1, ठीक है। तो 100 और 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इन दोनों को हटा करके हम 200 पिको फैराड का एक कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। और वही किया गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो C" जो है यहाँ पर 200 पिको फैराड का और ये C4 जो है 100 पिको फैराड का लगा दिया गया। अब देखिए C4 C" जो है 300 वोल्ट के प्लस और माइनस किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसी को एक्सटेंड करके ऐसे कर दिया गया कि भाई C" और C4 जो है 300 वोल्ट से जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इनका इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए, ये देखिए 200 है और यह क्या 100 है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर निकालेंगे तो मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है 1/C केवल C है, तो 1/C = 1/C4 + 1/C" पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल यही है कैपेसिटर्स का। तो इसको निकाला गया तो 200/3 हुआ। तो मतलब ओवरऑल इस पॉइंट पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में सारे कैपेसिटर्स हटा दिए जाएं, केवल एक कैपेसिटर लगा दिया जाए 200/3 पिको फैराड का, तो हमें पता चल जाएगा कुल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। पहली बात तो ये पता चल गया। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ही नहीं था, हमें प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ 300 वोल्ट लगाया गया C4 और C" के बीच में, ठीक है। तो चूंकि ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए जो चार्ज इसके ऊपर होगा वही चार्ज इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो दोनों पर चार्जेस की मात्रा समान होगी, है ना। और चार्जेस की मात्रा समान कितनी होगी, जितना इसकी इक्विवेलेंट पर है। तो इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट है 200/3 पिको फराड, ठीक है। तो 200/3 पिको फराड अगर है, पहले हम मान ले रहे हैं कि V1 V2 V3 V4 विद द
वोल्टेजेज अक्रॉस C1 C2 C3 एंड C4 रेस्पेक्टिवली फर्दर V डैश एंड V डबल डैश विद द वोल्टेज अक्रॉस C डैश एंड C डबल डैश। C डैश क्या था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया था, तो ये C डैश आया था। और C डबल डैश क्या था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया था, तो C डबल डैश आया था। तो इसके अक्रॉस C डैश के अक्रॉस वोल्टेज जो है मान लीजिएगा V डैश है, और C डबल डैश के अक्रॉस क्या है, V डबल डैश है, ठीक है, ये मान लिया जा रहा है। अब जो है और C1 C2 C3 के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या मान लिए जा रहे हैं, V1 V2 V3 और V4 मान लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C डबल डैश और C4 दोनों के अक्रॉस चार्जेस की मात्रा तो सेम रहेगी, चार्जेस की मात्रा सेम रहेगी, तो V डबल डैश अगर निकालना होगा, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर V डबल डैश बाई V4 इज इक्वल टू C4, तो यहाँ पर आपका V डबल डैश बाई V4 जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो यहां पर V डबल डैश बाई V4 इज इक्वल 1/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल क्यू बाई सी होता है, तो उसके हिसाब से रखेंगे तो यहाँ क्यू बाई सी नीचे आएगा, तो ये C4 ऊपर चला जाएगा और C डबल डैश नीचे आ जाएगा। इसके हिसाब से V4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V डबल डैश हो जाएगा, लेकिन हमें मालूम है कि ये देखिए V ये जो टोटल 300 वोल्ट है वो V4 और C डबल डैश मिल करके खाए थे, तो दोनों को जोड़ देंगे, V4 और V डबल डैश को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 300 वोल्ट मिल जाएगा। सो इसको हल किया जाए, V4 इज इक्वल टू V डबल डैश और V4 प्लस V डबल डैश इज इक्वल 300 वोल्ट, इनको अगर हल किया जाए तो V4 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। तो इससे V डबल डैश भी मिल गया 100 वोल्ट, यानी V डबल डैश C डबल डैश को जो है 100 वोल्ट मिला और C4 को जो है 200 वोल्ट के बराबर मिला। अब ये C डबल डैश मिला कैसे था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 और C डैश, तो C1 और C डैश है ना को भी बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगा, तो ये 100 वोल्टेज पर हुआ, 100 वोल्टेज पर हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि क्लियरली V1 इज इक्वल 100 वोल्ट एंड V डैश इज इक्वल 100 वोल्ट। लेकिन अब देखिए V2 प्लस V3, C2 और C3 को जो जो भी वोल्टेज मिला था उन दोनों को सम कर दिया जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता है, तो दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर C डैश जो है था इन दोनों का इक्विवेलेंट था, है ना, इक्विवेलेंट था, तो C डैश को 100 वोल्ट मिला, तो ये जो है इसको जो वोल्टेज मिला और इसको जो वोल्टेज मिला है दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है C2 और C3 को जो वोल्टेजेज मिलेंगे V2 और V3 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 50 वोल्ट ईच, 50 वोल्ट 50 वोल्ट मिलकर के 100 वोल्ट हो जाएगा। तो हमें V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, V3 पता चल गया, V4 पता चल गया। तो अब चार्जेज आप निकाल सकते हैं, C1 के ऊपर चार्ज ऑन C1 V1, C2 के ऊपर C2 V2 हल करके निकाल लिया, चार्ज ऑन C3 इज इक्वल C3 V3, चार्ज ऑन C4 इज इक्वल C4 V4 निकाल लिया, इस तरीके से निकल गया। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है कि एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV, ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विथस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट, सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर उसको बनाना है जो सह सके कितना, 1 kV, मतलब 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सह सके, लेकिन उसके पास है क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाए, तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर सीरीज में अगर कंबाइन कर देते हैं, यहाँ 1 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड और ये 1 माइक्रोफेराड को अगर सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो
अच्छा, एक जो कैपेसिटर है वो कुल 400 वोल्ट ही सह सकता है। एक कैपेसिटर जो है 400 वोल्ट सह सकता है, ठीक है। और उसको टॉलरेट करने वाला कितना बनाना है, 1000 वोल्ट तक, ठीक है ना। तो पहले 1 किलो वोल्ट में 400 वोल्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमको 2.5 मिला। इसको नियरेस्ट कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करिए, बड़े वाले में तो 3 हो गया। तो आइडिया ये लगा है कि 3 अगर 111 को अगर सीरीज में अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना, ये 400 वोल्ट सह सकता है, ये 400 वोल्ट और ये 400 वोल्ट मिल करके, ये तीनों मिल करके 1200 वोल्ट सह सकते हैं। तो जब 1200 वोल्ट अगर सह सकते हैं तो भैया सीधी सीधी 1 किलो वोल्ट तो सह ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 1 और 1 को अगर आपने सीरीज में कंबाइन किया है तो इक्विवेलेंट 1/3 हो जाएगा। तो ऐसा ही और कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया, और कॉम्बिनेशन तैयार किए, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन मिलकर के 1/3, 1/3, 1/3 6 बार दिखाई दे रहा है। और ये सब, ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस सीरीज कॉम्बिनेशन से पैरेलल में है। सभी जो है तीन तीन के जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो आपस में पैरेलल है। और एक कॉम्बिनेशन का जो सहने की क्षमता है 1200 वोल्ट है और कैपेसिटी कितनी है, 3 माइक्रो फैराड है। तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तीन 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 का 6 अगर कम कर दिया जाए तो एक का इक्विवेलेंट 1/3 है, तो 6 का कितना होगा, 6 इंटू, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन तो जुड़ जाता है। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 6 टाइम्स करेंगे तो इससे अच्छा 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 × 1/3 दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड। तो इस तरीके से अगर ये कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाता है तो यह 1 किलो वोल्ट की भी सह लेगा और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2 माइक्रो फैराड के बराबर होगी, ठीक है। तो दोनों रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सकता है। इसीलिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उनका यूज करके हम लोग नए कैपेसिटर्स बना सकें, क्योंकि हर वैल्यू के कैपेसिटर मिलना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ करके ही तैयार किए जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। एक 4 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया, इट इज देन डिसकनेक्टेड, उसको डिसकनेक्ट कर दिया, तो भाई वो जो है 200 वोल्ट उसके दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इज डिसकनेक्टेड। और उसको फिर जो है एक 2 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। ओके, मतलब प्लस वाला प्लस है, माइनस वाला माइनस है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज जो होगा उसमें कितनी एनर्जी लॉस कर जाएगी। तो देखिए पहले C1 की कैपेसिटी कितनी है, 4 माइक्रो फैराड, तो 4 × 10⁻⁶ फैराड हो जाएगा। और C2 2 माइक्रो फैराड है तो ये 2 × 10⁻⁶ फैराड हो जाएगा। और वोल्टेज कितना दिया गया, 200 वोल्ट, किसको, C1 को, ठीक है। तो उसके पास कितनी एनर्जी, चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, Q1 इज इक्वल C1 V1 इज इक्वल टू C1, आपको ये मालूम है, V1 ये मालूम है, तो 8 × 10⁴ कूलाम के बराबर चार्ज अवेलेबल हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन C1 कितना होगा, पहले तो केवल C1 को ही जोड़ा गया है, तो U1 इज इक्वल 1/2 C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल 1/2 C1, और V1 की वैल्यू रखा तो 8 × 10⁻²⁺ जूल के बराबर हो गया। अब जब कनेक्ट कर रहे हैं, C2 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो C2 को सिंस C2 के पास कुल चार्ज कितना था, 0 के बराबर था, ठीक है ना। और C1 के पास कितना चार्ज था, वो Q1 के बराबर था। Q1 हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, 8 × 10⁻⁴ कूलाम के बराबर। तो टोटल पूरी प्रक्रिया में टोटल चार्ज की मात्रा तो बदलेगी नहीं। तो अब जब आपने पैरेलल में कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वो गेन कर लेंगे, उनके सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें जो है उसके अनुसार पहला वाला कितना चार्ज रखेगा, C1 V1 यहाँ प्लस है,
और दूसरा वाला सी टू वी, ये सी वन वी है और ये सी टू वी है, दोनों को जोड़ दिया गया तो बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू हो जाएगा। ठीक है, तो वी इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई सी वन प्लस सी टू। तो क्यू वन क्यू टू तो जीरो था, क्यू टू जीरो था और क्यू वन क्या था, एट इंटू टेन दोबारा माइनस फोर था। सी वन और सी टू वैल्यू रख दिया गया और हल किया गया तो ये 400/3 वोल्ट के बराबर आ गया। सो एनर्जी स्टोर्ड इन सी वन एंड सी टू, दोनों में अलग अलग जो पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हुआ, अब पोटेंशियल डिफरेंस 400/3 वोल्ट हुआ। तो उसे यू टू अब जब कॉम्बिनेशन कर दिया गया है तो उस समय कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 5.33 × 10⁻²⁺ जूल। अब पहले कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी, केवल एक ही कैपेसिटर के पास, 8 × 10⁻²⁺ जूल। ठीक है, तो ये कम है और ये जो है शुरुआत में जो है ये ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस अगर ले लिया जाए तो अगर दोनों का डिफरेंस अगर ले लिया जाए तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है। तो मतलब लॉस इन एनर्जी निकालने के लिए आपको यू वन माइनस यू टू कर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लॉस हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 5.33 × 10⁻²⁺ जूल है और यहाँ पर जो है 8 × 10⁻²⁺ जूल है। तो आपको ये भी पढ़ाते समय मैंने बताया था कि एनर्जी गई कहाँ, जब आप कनेक्ट करेंगे तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज हवा में तैर करके नहीं जाएगा, वो तार के माध्यम से जाएगा, तार के माध्यम में तार में रेजिस्टेंस होगा तो उस समय थोड़ी सी हीट जनरेट होगी एंड दैट विल बी लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो जो लॉस हुआ है वो हीट एनर्जी के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, लिबरेट आउट हो जाएगा इन द एटमॉस्फियर। ठीक है, सो दिस वाज ए गुड क्वेश्चन। अब ये जो है मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग लगाइएगा, ये 13 क्वेश्चन है, इसमें इसको लगाइएगा, बेस्ट क्वेश्चंस हैं।